ऊपर के दोनों कमरे खोल दे, साफ करो ले, ठीक है? जी अंकल जी, आप गलत बोल गए। मेरा मतलब है कि आपने जो भी कहा वो सच सही है कि जय है और मैं इनकी बेटी प्लीज, लेकिन दो कमरे थे एक। क्या है ना, हम दोनों एक दूसरे की नजरों से दूर नहीं हो सकते, है ना पापा जी? वो क्या है ना, मेरे पापा जी फैल जाते हैं। सही कहा ना पापा जी? हाँ, सही कहा। इस बच्ची की माँ? ओ जी मैं बताता हूँ, 3 साल पहले इस बेचारी बच्चे की माँ चल बसी थी एक हादसे में, तब से ये ऐसी हो गई है। मेरा क्या है, मैं तो जैसे तैसे जिंदगी गुजार लूंगा, लेकिन ये इस बेचारी बच्ची का अकेलापन नहीं देखा जाता मुझसे। ओए कोई ना जी, कोई ना, ओ छाड़ पड़े चन्नानियों की बातें, इसे तू अपना ही घर समझ, ठीक है? अच्छा अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, रात को बैठ के बात करते, ठीक है? जी। इन दोनों को तकलीफ होनी नहीं चाहिए। टाटा। ओ मैं क्या, पर जाई जी को तो मैं पहचान गया, और आप? मैं स्वरूप, हरजीत की बहन। स्वरूप जी, मैं क्या आपको स्वरूप जी कह सकती हूँ? इसको अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको स्वरूप जी बुलाऊंगी, ठीक है ना पापा जी? वो बच्चे हैं जी बच्चे, कुछ भी बोल जाते हैं। आंटी, आंटी कहेगी तू? कोई बात नहीं, तेरा जो मन करे तू मुझे बुला सकती है, और वैसे भी मुझे तेरे वर्गी लड़कियां बहुत पसंद है, लेकिन हाँ मर्दों पे मैं जरा कम ही भरोसा करती हूँ। वो क्या है ना, घर में घुसते कल्ले हैं, फिर 5 मिनट के अंदर रिश्ते गिनाने लगते हैं, 2 मिनट में शादीशुदा हो जाते हैं, 1 मिनट में बेचारों की बीवी मर जाती है, और 30 सेकंड में इतनी बड़ी बेटी भी आ जाती है। हाँ। 10 सेकंड में सबको अपना भी बना लेते हैं जी। राज नहीं दिख रहा। ये राज को कैसे जानती है? बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था, पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया, सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया, आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा, तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब पेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई। चल यहां से।
कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलुका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली, चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना। ठीक है, हम आते हैं।